ಇವರ್ಸಿ ತಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ರೇಕ ಆಗಬಹುದು. करीब 20 दिनों के सियासी नाटक के बाद आखिरकार कर्नाटक में कुमारस्वामी सरकार का द एंड हो गया. विश्वास मत प्रस्ताव पर 4 दिनों की बहस के बाद मंगलवार को वोटिंग हुई और कुमारस्वामी सरकार बहुमत न साबित कर पाने के चलते आउट हो गई. विधानसभा में येदुरप्पा की अगुवाई में तमाम बीजेपी विधायक विक्ट्री साइन दिखाते नजर आए. बीजेपी अब ऐसा ही विक्ट्री साइन मध्य प्रदेश में दिखाने को बेताब है. कुमारस्वामी सरकार गिरने के बाद रात होते होते मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ से इसके संकेत भी मिल गए. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि कर्नाटक की तरह कमलनाथ सरकार भी जल्द अपना पिंडदान करवाएगी. उनके बयान पर कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने पलटवार किया है. मध्य प्रदेश की लगभग यही स्थिति है क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसफर उद्योग चल रहा है, जो नौनिहालों की, बच्चों की, मासूमों की हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे, किसानों की साथ छल कपट करके उनसे उनके वोट ले लिए गए, बेरोजगार नौजवानों के लिए 4,000 रुपया महीना वजीफे देने की और बेकारी भत्ता देने की बात हुई, एक भी काम इस राज्य में नहीं हो रहा है. लूट खसोट भ्रष्टाचार चारों दूर हाहाकार मचा है चारों. और मुझे विश्वास है कि जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश की सरकार भी अपना पिंडदान करवाएगी. यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तो जो मैं समझता हूँ कि नियत में कभी खोर कसर नहीं छूटी कि वो डिस्टर्ब नहीं करे सरकार को. वो उनका काम कर रहे हैं, पर ये कमलनाथ की सरकार है, कुमार स्वामी की नहीं. कमलनाथ जी मैं समझता हूँ कि 7 जन्म लेने पड़ेंगे इनको, इस सरकार को, के खरीद फरोख्त के लिए. गोपाल भार्गव के बयान के बाद मध्य प्रदेश में सियासी हलचल बढ़ गई है. बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर सूबे में कांग्रेस की सरकार गिरती है तो इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं होगी. शिवराज ने कहा, कमलनाथ सरकार में आंतरिक मतभेद हैं. ऐसे में अगर सरकार गिरती है तो इसके लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार होगी. वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी मुंगेरी लाल की तरह सपने देख रही है. कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी. 105 सदस्य हमारे पास है और आज के गणित को अगर आप देखें तो स्पष्ट बहुमत और स्थिर सरकार देने की क्षमता भारतीय जनता पार्टी में. यहाँ भी हम कोई सरकार नहीं गिराएंगे, लेकिन कांग्रेस की सरकारें गिराते रहे हैं. जो अंतर विरोध है कांग्रेस के अंदर और बसपा और सपा का समर्थन, अब उसमें कुछ हो जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते. हमने तो कर्नाटक में भी कुछ नहीं किया, गिर गई, अब यहाँ भी हम कुछ नहीं कर रहे. ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने चाहे जितने देखते रहे, मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार है. बेहतर मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए कई सालों बाद सरकार बनी है और यहाँ के विधायक एक साथ है, एकजुटता के साथ है. कहीं ऐसा नहीं हो कि इनके कुछ विधायक जरूर इधर आ जाए जो लोग इनसे असंतुष्ट हैं. जो नीतियाँ देख रहे हैं कि इस बार किसान की, गरीब की पहली बार सरकार बनी है जो मध्य प्रदेश के अंदर बेहतर रूप से किसान के कर्जे माफी के साथ कई काम किसान के लिए कर रहे. दरअसल मध्य प्रदेश की सरकार को लेकर आशंकाएं निराधार नहीं हैं. सूबे की कमलनाथ सरकार तलवार की धार पर चल रही है. 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है. आंकड़ों पर नजर डालें तो कांग्रेस के पास 114 विधायक हैं, जबकि प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी के पास 108 विधायक हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 116 है. बहुमत से 2 अंक दूर कांग्रेस ने बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी के 1 और 1 निर्दलीय विधायक के समर्थन से सरकार बनाई हुई है. ऐसे में अगर इनमें से एक भी विधायक इधर उधर हुआ या कांग्रेस में फूट पड़ी तो कमलनाथ सरकार मुश्किलों में फंस सकती है. बीजेपी ऐसे ही किसी मौके की तलाश में है. देखना यह है कि उसे यह मौका हासिल होता है या फिर कमलनाथ की किस्मत उनका साथ देती रहती है. ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया.